विनोद भैया, विनोद वर्मा ब्लॉग, धन्नू वर्मा ब्लॉग, आपका ब्लॉग देखता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जवाहर, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों, अभी मैं हूँ रायपुर रेलवे स्टेशन में और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं आज जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की ओर से जो क्रिएटर मीटअप है उसमें, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग आने वाले हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और जो फेसबुक पेज हैंडल करते हैं। और जनसंपर्क विभाग की ओर से ये 2024 का फर्स्ट मीटअप होने वाला है और बहुत सारे क्रिएटर लोग आ रहे हैं। फिलहाल मैं अभी हूँ रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा तेलीबांधा, तो तेलीबांधा के लिए मेरे को लेना पड़ेगा सिटी बस, फिर वहाँ से अपना विभाग का लगा होगा बस और उसी बस से फिर मैं निकलूंगा नया रायपुर जो संवाद ऑडिटोरियम है उसके लिए। तो अभी दोस्तों मेरे को तेलीबांधा के लिए सिटी बस पकड़ना पड़ेगा, तो चलते हैं सिटी बस का जो टिकट मिलता है वहाँ पर। तेलीबांधा यहाँ से लगता है 15-20 मिनट का रास्ता होगा और वहाँ से बस लगी होगी, फिर उसी बस से चलेंगे और बहुत सारे क्रिएटर लोग भी उस बस में होंगे, तो देखते हैं कहाँ कहाँ से क्रिएटर लोग आते हैं और कैसा रहता है पूरा ब्लॉग, कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। सामने है सिटी बस का स्टेशन और स्टॉप है वहाँ पर सिटी बस का, चलते हैं अभी। और आज सुबह सुबह अजीब लग रहा है, फिलहाल देखते हैं कैसा आज पूरा दिन जाता है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ जैसे यहाँ से 4 बजे अपन का काम हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से कोयली कछारगढ़ जो कि गोंडी धर्म का बहुत ही बढ़िया धार्मिक स्थल है, वहाँ पर 22 और 26 तारीख को मेला का आयोजन है, तो वहाँ भी चल सकते हैं देखने के लिए। महाराष्ट्र में पड़ता है वो और यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है, तो देखते हैं कैसा माहौल रहता है पूरा, उसके बाद चलेंगे। यहाँ से मैं सिटी बस का ले लेता हूँ टिकट और फिर जाऊँगा तेलीबांधा, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो जनसंपर्क विभाग का है वो बस लगा होगा और वो बस लगभग 9:30-10 बजे छूटेगी, तो टिकट यहाँ से ले लेता हूँ। तो अभी सिटी बस का टिकट ले लिया हूँ और ये टिकट का पड़ा 10 रुपये और ऑटो वाले वहाँ के लिए 150 रुपये मांग रहे हैं, चलते हैं अभी। तो मैं आ गया हूँ तेलीबांधा थाना के पास और इसी जगह पर मुझे बुलाया गया है और यहाँ पर मेरे को देखना है महेश ट्रेवल्स का बस होगा और उसी बस से फिर हम लोग अटल नगर जो ऑडिटोरियम है छत्तीसगढ़ संवाद का वहाँ पर जाएंगे। तो अभी फिलहाल ढूंढता हूँ जल्दी से और पीछे सिटी बस उसी से मैं भी आया हूँ और अभी ढूंढ रहा हूँ महेश ट्रेवल्स का जो बस है उसको, अब देखता हूँ कितना टाइम लगता है, कॉल करना पड़ेगा शायद अगर नहीं मिलेगा तो। ये हनुमान मंदिर इधर, जय बजरंग बली, जय श्री राम। तेलीबांधा चौक के पास तो पहुंच गया हूं लेकिन मुझे बस दिखाई नहीं दे रहा है और ये चौक का नज़ारा है और ये देखिए अभी ढूंढ रहा हूं बस को महेश ट्रेवल्स का और यही इधर सामने थाना है, तो थाना के आगे बोल रहे हैं कि लगा हुआ है बस, देखते हैं। और अगर 4 बजे से पहले अगर मैं जैसे कि इस कार्यक्रम से आ गया तो फिर मैं महाराष्ट्र के लिए जाऊँगा और महाराष्ट्र में एक जगह है कोयली कछारगढ़, वहाँ पर मतलब गोंडी धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और हर एक साल वहाँ पर मेला लगता है, मतलब बहुत बड़ा मेला लगता है, भारत के सभी जगह से लोग आते हैं, तो उसी जगह पर जाऊँगा और अभी निकल रहा हूँ यहाँ से मैं। फिलहाल एक मेरे को बस सामने दिखाई दिया, शायद वही हो सकता है सामने, देखते हैं। पता नहीं आज के इस क्रिएटर मीटअप में क्या होगा, मतलब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर लोग क्रिएटर लोग आने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के कुछ अधिकारी भी होंगे, स्थानीय स्तर के होंगे, और देखते हैं कैसा रहता है पूरा कार्यक्रम। और ये छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और कुछ क्रिएटर्स लोग को जो है कि पुरस्कृत भी किया जाएगा, तो शायद ये मुझे एक बस दिखाई दिया और रिंग रोड नंबर 1 में बताया बस है पिंक कलर का, तो यहीं पर सामने होगा बस और यहीं चलते हैं। शायद एक बस मेरे को दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, शायद वही हो सकता है महेश ट्रेवल्स, हाँ भाई वही है, चलते हैं जल्दी से। तो फाइनली पहुंच गया हूँ, यही बस है, नंबर भी यही है, मिला लिया हूँ, अंदर चलते हैं और आप लोगों को ऑडिटोरियम में ही मिलते हैं। आपकी वजह से फोन नहीं लिया हूँ मैं, मेरे को मजाक में नहीं करना, मेरे को 10 लाख की बाइक दिला रहे हैं, आपकी वजह से फोन नहीं लिया हूँ मैं, 10 लाख की बाइक नहीं करना, 1 लाख की बाइक दिला रहे हैं। अच्छा
भाई ऐसे चालू करवा दो बस चालू है चालू तो अभी दोस्तों हम लोग आ गए हैं जहां पर जनसंपर्क विभाग का मीटअप होने वाला है। फिलहाल अभी देखिए लोगो ये है और ये सारे पूरे क्रिएटर्स हैं और अभी हम लोग को जाना पड़ेगा इधर। देखते हैं आगे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहेगा। तो अभी सब लोग संवाद भवन में जाने के लिए रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग को प्रवेश करना है। इसके बाद हम लोग को यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और ये देखिए सारे क्रिएटर्स लोग जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं अंदर और छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की ओर से ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया है। फिलहाल अभी चलते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और अंदर का व्यू देखिए कुछ ऐसा है। और अभी हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया है और यहाँ पर पूरा मिल रहा है स्टिकर। जो यूट्यूबर हैं उन लोगों का यूट्यूबर वाला स्टिकर, इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर हैं उनके लिए इंस्टाग्राम और जो फेसबुक वाले हैं उन लोगों के लिए फेसबुक। अपन तो यूट्यूब वाले हैं तो यूट्यूब वाला ही लेंगे। और फिलहाल देखिए सारे क्रिएटर पहुँच चुके हैं अभी। तो दोस्तों अभी चलते हैं अंदर और ये है ऑडिटोरियम। आयुष महोदय भैया है जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि ये पहला और आखिरी अवार्ड नहीं है। इसके बाद हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप लोगों का एक कार्यक्रम हो, तो उसके लिए सबको तैयार रहना है। विरोध भैया, विरोध वर्मा ब्लॉग, धन्यु वर्मा ब्लॉग, आपका ब्लॉग देखता हूँ। स्पीकर के रूप में और उस समय आप अकेले होते हो तो देन आपके डिवाइस से आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हो उसका कोशिश करते हो। एक कार्यक्रम है भारत सरकार का जिसपे होना मेरा आवश्यक है, इसलिए मैं उस चीज के लिए माफी मांगता हूं और आपके साथ पुनः आऊंगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक बहुत वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच। सर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सर। बोले यार हेल्थ पे कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दर्शन किया इससे पहले कि मीटअप में यही वाली चीज मिसिंग हो जाती थी कि क्रिएटर्स की हेल्प के लिए क्या चीजें हो सकती हैं पुलिस और कानून व्यवस्था के तौर पे। और हम सबके बीच अंकिता मैम आ चुकी हैं, आप सभी उनका इंतजार भी कर रहे थे और हम जानते हैं मैम काफी एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पे। तो मैम से हमारी यही अपेक्षा रहेगी कि वो लोगों तक लोगों की मदद करने के लिए कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं। साइबर लॉस पे भी हम लोग बात करेंगे और एक ओपन सेशन भी रखेंगे क्योंकि काफी लोगों के लिए फैन मूवमेंट भी होगा क्योंकि अंकिता मैम के फैंस भी बहुत हैं, मैं खुद उनकी फैन हूं। तो अभी हम वेलकम करते हैं छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस मिस अंकिता शर्मा मैम का। प्लीज मैम स्टेज पे हमको ज्वाइन कीजिए। हमें भी समझना चाहिए क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप पर्टिकुलरली मतलब अगर हम केवल ये सोचे कि हम अपने लिए ही जिएंगे और अपने ही फॉलोअर्स बढ़ाएंगे और सारे काम हम अपने ही लिए करेंगे तो आप देश हित में कब क्या काम करेंगे। जो प्लेटफॉर्म आपको सरकार की वजह से या फिर इस डेमोक्रेसी की वजह से आपको मिलता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको इस चीज की आजादी है, तो कम से कम हम उसका सम्मान करें। और हम हमेशा एक कॉन्शियस सिटीजन की तरह, आप ऑब्वियसली एक क्रिएटर हैं, हम आप केवल अपने आप की ना सोचें कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को बहुत व्यूज मिलेंगे, मेरे को बहुत लाइक्स मिलेंगे, कई बार वो सारी चीजें बहुत ज्यादा चीप लगती हैं। तो आप हमेशा इस चीज को सोचिए एज अ अवेयर सिटीजन आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी पूरा कार्यक्रम खत्म हो चुका है और अभी सब लंच करने के लिए जा रहे हैं और सारे क्रिएटर्स आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आईपीएस अंकिता मैम भी हैं जो कि सोशल मीडिया में काफी फेमस हैं और अभी फोटो के लिए जाते हैं। बढ़िया से एक अच्छा सा चीयरफुल एक अपनी यादों में। दोस्तों मैं आ गया हूँ स्टेज में और देखिए यहाँ पर फोटो शूट वगैरह चल रहा है और सारे क्रिएटर्स लोग यहाँ पर हैं, ये देखिए। तो दोस्तों अभी खाना वाना पूरा खा लिया हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर लोग आए हैं जिसको हम लोग मोबाइल पे देखते थे यूट्यूब में इंस्टाग्राम में, आज वो लोग फाइनली मिल गए। कुछ लोगों के साथ मैंने फोटो भी खिंचवाया, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों सब खाना वाना खा लिए हैं और ये है आप लोग देखिए विनोद वर्मा ब्लॉग, मतलब छत्तीसगढ़ में इनका सबसे बड़ा फैमिली ब्लॉग्स वाला चैनल है और लगभग इनके चैनल में 2-3 लाख सब्सक्राइबर हैं। और ये देखिए चंदू द विलेजर, ये भी बिलासपुर के यूट्यूबर, इनका इंटरव्यू वीडियो चल रहा है अभी। और देखिए सारे क्रिएटर लोग इधर है, खाना वाना सबका खत्म हो गया अभी। मेल्स पे या मैसेजेस पे बात करते हैं डील्स क्लोज करने के लिए, मैं आप सबको ये सलाह दूंगी कि अभी से ही ट्राई करें वीडियो कंटेंट बनाना शुरू करें। और जब आप कॉल्स पे जाते हैं ना तो पीपल कनेक्ट विद पीपल बोला जाता है ना, हम फेस देखते हैं, आप अभी मेरा फेस देख रहे हो, आप लोग सब मेरे से कनेक्ट कर रहे हो, है ना।
तो ये जब होता है तो यू फाइंड इट वेरी इजी टू निगोशिएट. एक निगोशिएशन करना हमेशा रखो, ये नहीं कि ब्रांड आ गया, ब्रांड ने बोला कि 10,000 देता हूँ, उतने में खुश मत हो, बोलो कि नहीं दिया, उसको वापस जाके नौकरी करना पड़ा. मेरे धर्म पत्नी ने सहयोग दिया, मेरा यूट्यूब चैनल 1 मिलियन का हो गया. तो सबसे पहले परिवार जरूरी है. शिवराज, शिवेन, ऐश्वर्य शर्मा, सौंदर्या, टीएस चौहान, अतुल चंद्रवंशी, जुबैर अली, आदित्य माने, प्रिया लालवानी, प्रिंस जानराज तरुण अमली से.